जैसे कि आप सबको पता है 3 मई के आसपास एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि जो निमावर जो ब्रिज है उसके सामने एक खेत है जहाँ पे एक मृतक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात मौके पर थाना प्रभारी करणदीप और ACP मौके पर पहुंचे, उसके पश्चात एडिशनल CP सर भी मौके पर पहुंचे। उसके पश्चात जब पुलिस ने छानबीन स्टार्ट करी एरिया की तो वहां पे उस मृतक बॉडी से 100 मीटर की दूरी पर एक और मृतक बॉडी मिली उसी कंडीशन के अंदर निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात हमने पूरे एरिया सीन ऑफ क्राइम को हमने सर्च किया, उसके बाद बाउंड्री के पार हमको कुछ उनके कपड़े मिलते हैं जिसके अंदर एक चिट रहती है जिसमें कुछ लोगों के नंबर रहते हैं, उनसे जब संपर्क किया गया तो उसमें एक व्यक्ति एक मृतक का नाम हीराराम करके जो मंडेश्वर जिला खरगोन का रहने वाला है उसकी शिनाख्त इस रूप में हुई। तत्पश्चात हमने जो भी आसपास से CCTV फुटेज थे CCTV फुटेज खंगाले इस विषय के अंदर, तब हमें चूंकि एक मृतक की पहचान हुई थी तो हमें पता चला कि ये मिस्त्री का काम करते थे, उसके साथ जो दूसरा मृतक है जिसकी पहचान सुरेश के रूप में हुई ये दोनों मिस्त्री का काम करते थे, इनको जो भी मजदूरी मिल जाती थी तो मजदूरी किया करते थे। तत्पश्चात हमने इनके घर के आसपास CCTV फुटेज देखे तो हमको कुछ 4 आदमी दिखे जो इनके घर के आसपास आते हुए दिखे घटना से 4-5 घंटे पूर्व। इनके परिजनों से हमने पूछताछ करी तब उनके परिजनों द्वारा भी कुछ पैसे के लेन देन के विषय में बताया गया। तत्पश्चात हमने सस्पेक्ट के बेसिस पे 2 लोगों को उठाया जिन्होंने घटना कबूल करना स्वीकार किया। एक का नाम दीपक उर्फ गोलू है जो कि जिला देवास का रहने वाला है, इसके अलावा दूसरे का नाम अमन इब्ने है जो जिला बैतूल का रहने वाला है। इनके द्वारा घटना इसलिए घटना कारित की गई जो इन्होंने बताया कि जैसे कि ये सभी मजदूरी का काम किया करते थे, इसमें से ये लोग 3-4 जो लोग थे ये ठेकेदार से स्वयं संपर्क करते थे, उसको लेबर प्रोवाइड करते थे। ठेकेदार द्वारा सभी को पैसा ना देके कुछ 3-4 लोगों को पैसा दे दिया जाता था कि आपकी मजदूरी का पैसा आप आपस में इस प्रकार से वितरण कर लीजिए, लेकिन ये जो लोग थे उनको जो और लोगों को कम पैसा देते थे जिसके कारण ये लोग उनसे पैसे की डिमांड करते थे कि हमारा पैसा दीजिए, इस कारण आए दिन इनमें विवाद होता रहता था। तो ये लोग उनको उस जगह ले गए, उस रात ये लोग उनको उस जगह ले गए, वहां पे इन्होंने उनको शराब पिलाई, तत्पश्चात उनको उनके साथ मारपीट करी, उनको डंडे से मारा और उसके बाद वहां से भाग गए। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने टोटल 3 आरोपी हैं जिसमें से पुलिस द्वारा 2 को राउंडअप किया जा चुका है, एक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है जो संभवतः 1-2 दिन में हम उसको भी राउंडअप कर लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।